पंचमी पर दो गैरों का हुआ आयोजन। पहली गैर हरे राम हरे कृष्ण मंडल तो दूसरी गैर नगर पालिका के सहयोग से निकाली गई। रंग पंचमी पर दो अलग अलग गैरों के आयोजन में नगर भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। नगर में रंग पंचमी के अवसर पर दो अलग अलग गैरों का आयोजन किया गया था। पहला आयोजन हरे राम हरे कृष्ण मंडल द्वारा फाग यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान बावड़ी मंदिर से निकली फाग यात्रा में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते हुए सूखे रंगों से होली खेलकर एक दूसरे को तिलक लगा रहे थे। वहीं कीर्तन मंडल द्वारा फाग यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्वागत सत्कार की व्यवस्था नागरिकों द्वारा की गई। बावड़ी मंदिर से निकली फाग यात्रा एसोसिएशन चौक, सुभाष चौक, बस स्टैंड, आजाद रोड, एमजी रोड होते हुए पुनः मंदिर पर समाप्त हुई। पंडित उमा शंकर कानूनगो ने बताया कि हरे राम हरे कृष्ण मंडल द्वारा प्रतिवर्ष भाग यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसमें श्रद्धालु श्री कृष्ण एवं होली के भजनों पर साथ साथ सूखे रंगों से होली खेलते हुए निकलते हैं। इस दौरान कीर्तन मंडल करीब 200 से अधिक सदस्य मौजूद थे। नगर पालिका ने निकाली गैर। पिछले 3 सालों से बंद प्रथा को नगर पालिका द्वारा पुनः शुरू किया गया। बस स्टैंड से रंगारंग गैर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं पर गीले एवं सूखे रंगों की बौछार की गई। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि लाली शर्मा ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से रंगारंग गैर का आयोजन बंद हो गया था। इस वर्ष पुनः इस आयोजन को शुरू कराकर युवाओं की मांग को देखते हुए इसे निकाला गया। नगर पालिका से निकली गैर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई शाम 4 बजे वापस नगर पालिका पर समाप्त हुई।